वंदे मातरम मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वस्थ रक्षा से मैं प्रभा भारती आप सबका स्वागत है। आज हम एक वायरल इन्फेक्शन जिसमें एक बड़ी बीमारी बुखार शामिल है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। बुखार क्या है सबसे पहले ये जानेंगे। आप दो हाथों को आपस में घर्षण करिए, हाथ गर्म हो जाते हैं, अर्थात शरीर में कहीं भी कुछ भी घर्षण होता है तो शरीर गर्म हो जाता है और वही बुखार होता है। बुखार अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, पर बीमारी का परिणाम जरूर है। जैसे किसी किसी को सरदर्द से बुखार हो जाता है, सर बहुत तेज दुखा तो बुखार हो गया, किसी को जुखाम हुआ तो बुखार हो जाता है, दाढ़ दुखी तो बुखार हो जाता है, या थक गए तो बुखार हो जाता है। और सबसे बड़ी समस्या, यदि इन सब के साथ में पानी कम गया तो बुखार हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि लोग पानी बहुत कम पीते हैं, बुखार पानी कम पीने से भी होता है, क्योंकि शरीर के अंदर की गर्मी बढ़ रही है, पानी कम गया है, वो ठंडा नहीं हो पाता और वो पूरा बाहर से गर्म हो जाता है। तो बुखार का समाधान भी वही है, आप बिना किसी दवा के, बिना एक आधी गोली खाए बिना आप स्वस्थ हो सकते हैं, बुखार को हटा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, वही हम पहुंचेंगे पानी पर। सबसे पहला काम, आपका जितना वजन है उसको 10 से भाग दीजिए और उतना पानी आप कम से कम बुखार है तब पी लीजिए। जब बुखार आपको चढ़ रहा है, आपको पता चल रहा है मुझे बुखार आ रहा है, आप उसे वही नियंत्रित कर सकते हैं, बस उसी दिन अपना पानी बढ़ा दीजिए। आपका बुखार मुश्किल से 2 दिन टिकेगा, नहीं तो 2 दिन भी नहीं टिकेगा। और यदि आप बच्चा है, पानी नहीं पी पा रहा है, बुखार बढ़ रहा है, तो एक तरीका और है, आप एक काले कलर का स्केच पेन लीजिए, काले रंग का स्केच पेन मार्कर, या काजल भी लगा सकते हैं आप, प्रकृति कलर हो तो ज्यादा अच्छे हैं, पर हम यहाँ पे स्केच पेन का या मार्कर का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी आपकी उंगलियों के ऊपर का हिस्सा है, अंगूठे से लेकर सारी उंगलियों का, उन पे काला निशान कर देना है। कैसे मैं आपको बताती हूँ, ये लिया और इस तरीके से पूरा उसको काला कर दिया। जैसे मैंने ये अंगूठा काला किया है, आप देख सकते हैं, बस अंगूठे को आगे की साइड से, पीछे की साइड से कुछ नहीं करना है मित्रों, बस आगे की साइड से, वैसे ही सारी उंगलियों को आपको कलर कर देना है इसी तरीके से। ये देखिए, ये दूसरी उंगली कर दी मैंने, पीछे कुछ नहीं, बस आगे की तरफ। इसी प्रकार सारी उंगलियों में आधा नाखून कवर हो उस तरीके से सारी उंगलियों में आप काला कर दीजिए, दोनों में कर दीजिए। और यदि बुखार ज्यादा बढ़ गया है तो पैरों में भी आप इसी तरह कर दीजिए, इससे बुखार बहुत जल्दी उतर जाता है। लेकिन इसमें ध्यान और रखना है मित्रों, बुखार उतरते ही इस कलर को आप साफ कर दीजिए, क्योंकि यदि आपने इसको उसके बाद रखा तो ठंडक का असर बढ़ सकता है। इसलिए कभी भी इसको बुखार उतरने के बाद नहीं रखना है, ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि कलर बहुत जल्दी काम करते हैं और बहुत गहरा काम करते हैं। अब कई बार बुखार के साथ गले में जलन होती है, तो उस समय आप क्या करें, गले में जलन जब हो तो नीला कलर यहाँ पे इस तरीके से लगा दीजिए, इससे आपको गले के जलन में तुरंत आराम हो जाएगा। और शायद आपको एसिडिटी है तो एक लाइन सीधी इस तरीके से हथेली के बीच में, ये देखिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ, ये इस तरीके से एक नीले रंग से यहाँ लाइन कर दीजिए, इससे आपको एसिडिटी में तुरंत आराम हो जाएगा। हाँ, और कई बार भूख नहीं लगती है, बुखार आता है, वैसे आप यदि दवा नहीं खाएंगे, एलोपैथिक दवा नहीं खाएंगे, तो आपकी भूख नहीं मरेगी। पानी पीने का लाभ यही होता है कि जब आप पानी ज्यादा पीते तो आपके पेट को साफ कर देता है, उल्टा भूख आपको ज्यादा लगती है, लेकिन जब दवा खाते हैं तो सीधा लीवर को, किडनी को खराब करता है, उस पर असर करता है। तो जहां आप क्रोसिन या कोई भी ऐसा एंटीबायोटिक लेते हैं, तुरंत ही पहला काम होता है, उसके बाद मुंह कड़वा हो जाता है और भूख खत्म हो जाती है। यदि आप उससे बचना चाहते हैं मित्रों, तो बुखार में ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस वजन के अनुसार पानी पीजिए
और ये रंग लगा लीजिए, आपको बहुत जल्दी बुखार से निजात मिल जाएगी। और यदि जरूरत पड़े तो पतंजलि की आरोग्यवटी, आरोग्यवर्धनी वटी नहीं, आरोग्यवटी की दो दो गोली दिन में 3-4 बार आप ले सकते हैं। बच्चों को आप एक एक गोली दें, दिन में 3-4 बार दे सकते हैं, बड़े हैं तो 3-4 गोली 3-4 बार आप ले सकते हैं। इससे आपको अच्छा लगेगा और बुखार आगे नहीं बढ़ेगा, बुखार की वीकनेस आपको नहीं समझ में आएगी और आप एक सामान्य हिसाब से ही आप अपने आप को चला पाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मित्रों, मुझे जरूर बताइएगा। मेरा संपर्क सूत्र है 9699791724। और अपने सुझाव जो भी हैं, आप किसी विषय पर जानकारी चाहते हैं वो मुझे अवश्य बताएं मित्रों, व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप नंबर भी मेरा यही है, या इसी वीडियो में कमेंट करें। धन्यवाद।